दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम चेंज करना चाहते हैं, एक तो नाम होता है कि यूजर नेम होता है, और नाम क्या होता है, एक तो नाम जो वैसे मेरा नाम राहुल सैनी है, जो मेरा मतलब असली नाम है, मैंने इंस्टाग्राम पर मेरा नाम डाला हुआ है राहुल सैनी, और यूजर नेम वो होता है जिससे मुझे लोग पहचान सके। राहुल सैनी नाम के अपने इंडिया में या फिर बाहर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम राहुल सैनी होगा, जिसकी वजह से लोग मुझे सर्च नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इंस्टाग्राम ने सभी को यूजर नेम दिया हुआ है, जो यूजर नेम में कुछ सभी का डिफरेंट होता है, चाहे एक अक्षर का ही डिफरेंस हो लेकिन सभी का डिफरेंट होता यूजर नेम, तो इसलिए लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तो अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर नाम चेंज करना चाहते हैं, यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों को प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को फुल वॉच कर लेना, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूं यूजर नेम नेम कैसे चेंज करना है। तो सामने आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, यहां पर सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और अकाउंट को लॉगिन करके रखना, जिस अकाउंट का आप नाम चेंज करना चाहते हैं। अब आपको यहां पर नीचे कॉर्नर में प्रोफाइल वाला आइकन दिखेगा जहां पर आपकी फोटो है, इस पर क्लिक किया। अब राइट साइड में आपको थ्री लाइन्स हैं, इन थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट सेंटर में एंटर हो गए हम। अब अकाउंट सेंटर यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का दोनों का सेम ही है, यहीं से हम एक दूसरे की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब सामने आपको शो रहा होगा प्रोफाइल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल है, फेसबुक की भी है, मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पर लॉगिन है। तो जिस अकाउंट की आप चेंज करना चाहते हैं नाम यूजर नेम, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर सामने शो हो गया है नाम। तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना है एक बार, यहाँ से वीडियो को स्किप करके मत चले जाना, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आधी अधूरी वीडियो देखते हैं आप। तो नाम पर क्लिक करना है। नाम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे नाम आपको मेरा है यहाँ पर राहुल सैनी, अब मैं जैसे कुछ भी चेंज करूंगा, यहाँ पर स्पेलिंग चेंज करूंगा, सैनी को आगे लगाऊंगा, राहुल को पीछे लगाऊंगा, आगे पीछे कुछ करना है सरनेम वगैरह, कोई भी स्पेलिंग चेंज करनी यहाँ पर डाल देना, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से एक एक स्पेलिंग को चेक करके बिल्कुल ध्यान से नाम को चेंज करना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है यू कैन ओनली चेंज योर नेम ट्वाइस विद इन 14 डेज। आप अपने 14 दिन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के नाम को सिर्फ दो बार चेंज कर सकते हैं। चलो एक बार तो आपने गलती से नाम चेंज कर दिया, लेकिन दूसरी बार अगर आप नाम चेंज बिल्कुल उसमें भी गलती कर देंगे, फिर आपका नाम चेंज नहीं होगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। चलो एक बार तो अगर आपने नाम चेंज करने में कोई गलती कर दी, स्पेलिंग गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार जब नाम चेंज करो तो भाई ध्यान से कर देना, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। फिर से आप 14 दिन में बस दो बार ही नाम चेंज कर पाएंगे, फिर से 14 दिन का वेट करना है, फिर आप दोबारा नाम चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मतलब एक तरह से नाम चेंज करने का मौका आपको तब मिलेगा जब यहाँ पर 14 दिन हो जाएंगे। सोच समझ कर नाम चेंज कर लेना। अब बैक चलते हैं। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है यूजर नेम। अब नाम तो मैंने आपको दिखा दिया, मेरा नाम है राहुल सैनी। यूजर नेम पर क्लिक करते हैं तो यूजर नेम इस तरह का होता है, यहाँ पर जो राहुल सैनी 072485 है, अगर आप इसको सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर जाकर तो मेरा ही अकाउंट आएगा, लेकिन अगर आप राहुल सैनी को सर्च करेंगे तो हज़ारों नाम अकाउंट आ जाएंगे, वहाँ पर ऐसे अकाउंट मिलते नहीं है। तो राहुल सैनी 072485 सर्च करेंगे तो मेरा अकाउंट मिल जाएगा, ये होता है यूजर नेम। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेना, लेकिन इंस्टाग्राम पहले बताएगा कि आपका जो ये यूजर नेम है अवेलेबल है या फिर नहीं। जैसे मैं लास्ट में से यहाँ पर 5 हटा देता हूँ, फिर मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग रहा है, मतलब मेरा ये यूजर नेम मेरे पास है। लेकिन जैसे मैं इसको 5 हटा देता हूँ तो इंस्टाग्राम चेक करेगा, अगर ये यूजर नेम किसी ने ले रखा होगा पहले का तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक यूजर नेम के दो अकाउंट हो जाएंगे, फिर दोनों में एक तरह से आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। इसलिए कुछ भी चेंज करोगे तो पहले इंस्टाग्राम आपको बता देगा, वो चेंज ही नहीं होगा कोई भी। अगर आपका जैसे है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 5 हटा दिया तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया है, नहीं अवेलेबल है। तो मैंने जैसे यहाँ पर पूरे ही हटा दिए हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम इज़ नॉट अवेलेबल, यानी राहुल सैनी के नाम से यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, जो भी चेंज करो उससे पहले एक बार चेक जरूर कर लेना, मतलब चेक क्या करोगे कि आपको मतलब एक तरह से वो चेंज करने का ऑप्शन ही जब मिलेगा, जब आप चेक मतलब एक तरह से अवेलेबल होगा तब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी तो वो भी यहाँ से हो जाएगी, गैलरी का एक्सेस मिल जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये है इंस्टाग्राम पर यूजर नेम चेंज करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई हेल्प चाहिए और भी कोई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूँ हेल्प करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।